हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, ठीक है। तो दरअसल ये क्या है, एक तरह से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सिमेट्री एलिमेंट का, है ना। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सिमेट्री एलिमेंट का, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसमें ग्रुप को ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहा जाता है। जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। और जिसमें जितने भी सिमेट्री एलिमेंट होते हैं वो कोरिस्पोंडिंग सिमेट्री ऑपरेशन के साथ को रिलेट करते हैं, ठीक है। इसके कुछ नियम हैं, तो उस नियम को हम एक एक करके देखते हैं। पहला है, इसमें आइडेंटिटी को इंक्लूड किया जाता है। आइडेंटिटी क्या है, सभी एलिमेंट में मौजूद रहता है, सभी मॉलिक्यूल में मौजूद रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी जो इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। दूसरा है, यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड रूल ये है कि किसी भी दो एलिमेंट का ऑपरेशन क्या होगा, एक नया सिमेट्री एलिमेंट को जन्म देगा, ठीक है। एक नया सिमेट्री एलिमेंट को जन्म देगा, तो वो क्या है, जैसे कि मान के चलो सी थ्री भी पॉइंट ग्रुप है। तो ये सी थ्री भी पॉइंट ग्रुप में अगर हम देखें तो एक तो होगा आपका C3, है ना, और इसी के साथ में क्या होगा, सिग्मा भी। अगर दोनों को अगर मिलाएं तो हमको क्या मिलता है, सिग्मा डैश भी, ठीक है। ये जो नया बनने वाला जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इसी एलिमेंट मतलब एक नया एलिमेंट को जन्म दे रहा है, ठीक है। दो अगर यहाँ को रिलेट कर रहा है तो एक नया एलिमेंट बन रहा है। और जितने भी क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे जितने भी ऑपरेशन होगा उसका इन्वर्स भी क्या होगा, ग्रुप का भी एलिमेंट होगा, ग्रुप का ही मेंबर होगा। अगर यहाँ पे इन्वर्स हम किसी का कराते हैं, आगे सीखेंगे, ये तो बस नियम ही है, मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें सारा जो है डिटेल में लिखा हुआ है, है ना। तो देखते हैं आगे, इसका इन्वर्स क्या होगा, ग्रुप का मेंबर होगा। चौथा क्या है कि जितने भी एलिमेंट वहाँ मौजूद होंगे वो क्या कराएंगे, कॉम्बिनेशन, एसोसिएटिव कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, चार नियम हो गया, ये आपको नोट्स में बढ़िया से मिल जाएगा। अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, हम केमिस्ट्री में तीन डायरेक्शन को जानते हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। जेड को हमेशा ऊपर लेते हैं, एक्स को बगल में ले लेते हैं, और वाई को इस तरह से सीधा पेन की दिशा में। तो यहाँ मैं नहीं दिखा सकता, तो इधर दिखाया हूँ, ठीक है। अगर इसके बैक साइड में जाओगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस एक्स। इसके बैक साइड में जाओगे तो क्या मिलेगा, माइनस वाई। इसके बैक साइड में क्या आएगा, माइनस जेड। तो ये आपको समझना होगा, समझना आसान है, बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी ग्रुप का मैट्रिक्स लिखते हैं, तो ये मैट्रिक्स होता क्या है, जैसे मैट्रिक्स आपने टेंथ में पढ़ा होगा कि जैसे 2 × 2, है ना, 2 × 2 मैट्रिक्स बनाना है, तो ए बी सी डी इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। अब इसको हम क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं। अब ये ऊपर वाला जो सिस्टम है, ऐसे लंबा लंबा, उसको कॉलम कहते हैं, ठीक है। ये आपको आता होगा, इतना जानकारी काफ़ी है, ठीक है। जैसे C2Z क्या है, यहाँ पे हम अगर मान के चलो जो Z दिया हुआ है इसके अलोंग C2 एक्सिस रोटेट कराते हैं, ठीक है। Z यहीं पे फिक्स होगा, और C2 रोटेट कराना मतलब क्या है, 180 डिग्री रोटेट कराना, है ना। तो इसको हम क्या कराते हैं, 180 डिग्री रोटेट कराते हैं, तो X कहाँ चला जाएगा, माइनस एक्स। वाई कहाँ चला जाएगा, माइनस वाई में। Z यहीं रहेगा, है ना, Z कहाँ रहेगा, यहीं रहेगा। जेड माइनस को हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके अलोंग क्या करा रहे हैं, फ्लिप करवा रहे हैं 180 डिग्री, ठीक है। उस कंडीशन में एक्स क्या बन जाएगा, माइनस एक्स। वाई क्या बन जाएगा, माइनस वाई। और जेड जैसा का तैसा रहेगा। उसी और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिग्मा एक्स जेड। अब एक्स जेड अगर एक्स जेड के एक्सिस में सिग्मा कराते हैं, एक्स और जेड एक्सिस में हम क्या कराते हैं, एक काट काटते हैं, तो जेड कहाँ चल, जेड और एक्स अपने पोजिशन में है, ठीक है। लेकिन y कहाँ चला जाएगा, y रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ से पीछे की ओर, है ना, मतलब माइनस वाई बन जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमने क्या ले लिया, x और z जैसे का तैसे रहा, y को क्या कर दिए, फ्लिप करा दिए माइनस वाई में। तो इस तरह से ऑपरेशन कराते हैं, ठीक है। ये क्या है, ऑपरेशन कराने का तरीका। अब मैं यहाँ पे एक अप्लाई कर रहा हूँ आइडेंटिटी को, ठीक है। आइडेंटिटी किसी भी मोलिक्यूल का खुद का पहचान होता है, जैसे H2O है, ये उसकी खुद की आइडेंटिटी होगी, है ना। 180 डिग्री इसको रोटेट कराते हैं, चलो इसको H डैश मान लेते हैं, तो H डैश कहाँ आ गया, यहाँ आ गया 180 डिग्री रोटेट कराने पर,
ठीक है, तो ये भी इसकी आइडेंटिटी होगी, है ना, पहले के जैसा ही है ये भी। तो आइडेंटिटी हर मॉलिक्यूल में मौजूद रहता है, तो इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता, है ना। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आगे देखते हैं। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जो है एक्स वाई जेड के प्लेन के अंडर में अगर हम ऑपरेशन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक्स वाई जेड जैसे का तैसा ही मिलता है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो कि एक्स है, वन एक्स जीरो वाई जीरो जेड, इस एक्स डायरेक्शन में वाई या जेड का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसको जीरो वाई जीरो जेड लिख सकते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे वाई को लेते हैं तो वाई में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, बाकी दोनों जीरो हो जाएगा। जेड एक्सिस को लेते हैं तो जेड में वन आ जाएगा, बाकी दोनों जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसका, इसको लिखने का तरीका यही है, है ना। अब यहाँ पे हम एक्स वाई जेड को क्या करा लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। बाहर निकालेंगे तो एक्स वाई जेड यहाँ बाहर निकल गया, बचा क्या, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये हमको क्या मिल गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसी को कहते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब आपको यहाँ देखिए ई एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड, ये मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। अब मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड कट गया, बचेगा क्या, ई का वैल्यू क्या बच रहा है, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ठीक है, ये क्या आ रहा है, ई। अब यहाँ पे एक चीज, एक टर्म आता है कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब इसका डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब ये वाला जो डायगोनल, ये लेफ्ट है मान के चलो, ये राइट है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट डायगोनल आपको जाना है, लेफ्ट टू राइट डायगोनल, राइट टू लेफ्ट डायगोनल नहीं, है ना, लेफ्ट टू राइट क्या करना है, डायगोनल आपको जाना है। इसका जो वैल्यू आएगा वन 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 क्या आ जाएगा, थ्री, वन प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, यहाँ पर मैंने लिखा है। इसको हम ये काई से शो करते हैं, काई ई, ये क्या बताता है, कैरेक्टर को बताता है, ठीक है, कैरेक्टर टेबल भी कहते हैं इसको, है ना, कैरेक्टर बताता है। तो ये तो हो गया क्या, आइडेंटिटी के लिए। अब हम किसी और के लिए भी लेके देखते हैं कि किस तरह से कैरेक्टर टेबल बनाएंगे। चलिए ले लेते हैं दूसरा, ई के लिए हो गया, है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए ले लेते हैं, है ना, सेंटर ऑफ इन्वर्जन के लिए ले लेते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन के लिए मतलब आई के लिए ले लेते हैं, जगह है हमारे पास, यहाँ पे आई ले लेते हैं, सेकंड क्या होगा, इन्वर्जन सेंटर, इसको क्या करते हैं, आई से शो करते हैं, ठीक है। आई इन्वर्जन सेंटर में देखिए एक्स वाई जेड ही है, अगर इसमें इन्वर्जन कराएंगे एक्स में तो माइनस एक्स हो जाएगा, वाई में इन्वर्जन कराएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, जेड में इन्वर्जन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड, ठीक है। आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। इस तरह से सिमेट्री ऑपरेशन कराते हैं, इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, आपको माइनस लगा देना है सब जगह, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, इसको लिख सकते हैं माइनस वन एक्स जीरो वाई, प्लस प्लस करते जाइए यहाँ पे, प्लस जीरो जेड, इसी टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो एक्स माइनस वन वाई प्लस जीरो जेड, यहाँ हो जाएगा जीरो एक्स प्लस जीरो वाई माइनस वन जेड, ये इसका क्या हो गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। एक्स वाई जेड यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, एक्स वाई जेड बचेगा क्या, यहाँ बचेगा माइनस वन जीरो 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 माइनस वन जीरो 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 माइनस वन, ठीक है, ये हो गया, ये एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड कट गया। तो यहाँ पे इन्वर्जन का जो आएगा, इन्वर्जन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन जीरो 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 माइनस वन जीरो 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 माइनस वन, ठीक है। अब इसका कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, कैरेक्टर कितना होगा, काई आई निकालते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन माइनस वन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन्वर्जन सेंटर के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। जगह क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं और प्लेन के लिए कैसे करते हैं। जैसे कोई हमारे पास कोई प्लेन है, सिग्मा प्लेन है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपने सिग्मा पढ़ा है, है ना, अगर नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो में जाके देखिए कि क्या होता है। प्लेन के लिए ऑपरेशन कैसे करते हैं,
मान के चलो हमारे पास कोई क्या है, प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन में सपोज कोई सा भी प्लेन ले लेते हैं, जैसे सिग्मा एक्स जेड ले लिए, ठीक है। इसके लिए एक्स वाई और जेड निकालते हैं, तीनों डायरेक्शन में इसका ऑपरेशन कराते हैं। तो एक्स और जेड जैसे का तैसे रहेगा, वाई क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे आप समझिए ये क्या था, एक्स था, ये जेड था, ये क्या था, वाई था। अब हमको ऐसा प्लेन रखना है, ऐसा प्लेन काटना है जिसमें एक्स और जेड कट जाए, एक्स और जेड कट जाए, बचेगा वाई, वाई क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो एक्स माइनस वाई जेड, है ना। अब आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू वन रखना है। मैं बार बार पूरा नहीं करा रहा हूँ, चलो करा देता हूँ। वन एक्स हो गया प्लस 0 वाई प्लस 0 जेड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 एक्स प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 वाई प्लस 0 जेड, यहाँ पे 0 एक्स प्लस 0 वाई प्लस 1 जेड, है ना। यहाँ से एक्स वाई जेड आप कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 माइनस 1 0 और हो गया 0 0 प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 को लिखने का जरूरत नहीं, 1 ही लिखो, ठीक है। इसमें से जो एक्स वाई जेड कॉमन निकलेगा वो इसके साथ कट जाएगा, मतलब सिग्मा एक्स जेड का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसा होगा, और इसका जो कैरेक्टर होगा वो कितना होगा, कैरेक्टर आप निकालिए सिग्मा एक्स जेड का। तो ये होगा 1 माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, बचा कितना, 1, ठीक है। इतना सही है। अब आपके लिए वर्क है, क्या बच गया, सिग्मा वाई जेड और सिग्मा वाई एक्स। अब ये दोनों को निकाल के देखिए इसी के तर्ज में, है ना, इसी के तर्ज में इसको निकाल के देखिए कैसे होता है। आपको क्या करना है, वाई जेड अगर यहाँ पे है तो इन्वर्स किसको, ऐसे काट रहे हैं तो इन्वर्स कौन हो जाएगा, एक्स, और वाई जेड काट रहे हैं, अच्छा ये दोनों वाई जेड हो गया, ठीक है, एक्स जेड और वाई एक्स, ठीक है, वाई एक्स। अब हम इसको ऐसे काट रहे हैं, एक्स प्लेन और वाई प्लेन के अलोंग, तो क्या होगा, जेड क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो आप करके देखिए तीनों ही कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, है ना। तो करके देखिए आपके लिए वर्क होगा। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आप देख लेते हैं, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, C2 एक्सिस, C3 एक्सिस, C4 एक्सिस इत्यादि होता है, ठीक है। तो इधर मिटाता हूं मैं, इधर हो गया होगा। अब नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में। नोट्स क्या करेंगे, बनाते चलेंगे साथ साथ में, और ऐसा करें कि एकदम, मतलब एक बार पढ़ ली मतलब ये हो गया, है ना, उसी समय रिवीजन भी कर लीजिए ताकि टॉपिक ही खत्म हो जाए, आपको बार बार विजिट करने का जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे एक्सिस ले लेते हैं, C2 एक्सिस, है ना, फिर से वही एक्स वाई जेड। अब C2 किसके अलोंग करा है, मान के चलिए C2 जेड के, ठीक है। C2 जेड के एक्सिस के थ्रू हम क्या करा रहे हैं, रोटेशन करा रहे हैं। रोटेशन कराएंगे तो एक्स कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, वाई कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, हमने देखा ही है, ठीक है, हमने देखा ही है। यहाँ पे एक्स वाई जेड आप लिख लीजिए, जब हम यहाँ पे C2 जेड अप्लाई करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, वाई क्या हो जाएगा, माइनस वाई, और जेड के अलोंग करा रहे हैं तो जेड जैसा का तैसा रहेगा। अब इसको डायरेक्टली आप कैरेक्टर टेबल लिख सकते हो, एक्स में क्या कर देना है, माइनस 1 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 0 0 0 प्लस 1 हो जाएगा। मैं अब इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, कैसे आया आपको मालूम है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस एक्स माइनस 1 एक्स 0 वाई 0 जेड, यहाँ पे हो जाता 0 एक्स माइनस 1 वाई 0 जेड, ठीक है। तो उसमें से फिर एक्स वाई जेड को कॉमन लेते, फिर काट देते इसके साथ में, फिर बचता क्या ये, ठीक है। यहाँ से सीधा सीधा मैं क्या निकाल रहा हूँ, आपको क्या निकाल रहा हूँ, कैरेक्टर किसका, C2 जेड प्लेन का, ठीक है, C2 जेड प्लेन का निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे प्लेन नहीं, एक्सिस का,
सी टू जेड एक्सिस, ये किसके लिए है, एक्सिस के लिए है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको डायगोनल जाना है, डायगोनल जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कट गया, कितना आ रहा है माइनस वन, ठीक है। इसका कैरेक्टर कितना रहा है, माइनस वन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बहुत ही इजी है, बस आपको ये डायरेक्शन जानना है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन, ठीक है। उसको हमको प्लेन में कैसे, प्लेन भी समझना पड़ेगा, एक्सिस भी समझना पड़ेगा, इन्वर्जन सेंटर भी समझना पड़ेगा, सब चीज़ समझना पड़ेगा। तो सारा चीज़ मैंने पहले के वीडियो में डाल रखा है कि ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे कराते हैं, तो उसी के आधार पे अगर ये चीज़ आप देख रहे हो ना, तो एक बार रिवाइज कर लो, प्रीवियस वीडियो में जाके सर्च मार लो, वहाँ पे ग्रुप थ्योरी एंड ऑपरेशन इस टाइप से कुछ कुछ होगा, है ना। ये प्लेलिस्ट में जाके खोज लो, है ना, ग्रुप थ्योरी का वीडियो बहुत पहले मैंने डाल रखा था, ठीक है। ग्रुप पास्टुलेट मैं इससे पहले डाला हूँ, अब ये क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैं पहले क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद में आपको इरिड्यूसिबल और रिड्यूसिबल जो टॉपिक दिया हुआ है वो समझ में आएगा, इसको समझे बिना उसको समझना मुश्किल है, इसलिए मैं इस टॉपिक को पहले डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद, और आप सभी का दिन शुभ हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है, थैंक यू।